गुड मॉर्निंग, वेलकम एट द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ पीसीसी प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। माई सेल्फ योर न्यू मेंटर ऑफ फिजिक्स विजय विश्वकर्मा, आईआईटी जेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में डायपोल स्टार्ट किए थे, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल में बेसिक जो टर्म थे उससे एसोसिएटेड डायपोल मोमेंट एंड दूसरा टर्म था डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी जनरल एंगल पर प्लेस किया जाए तो उस पर एक्टिवेटेड टार्क, टार्क आता था पी ई और साइन थीटा, वेयर पी इज डायपोल मोमेंट टू क्यू एल। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। यहां से थीटा अगर स्मॉल हो तो टाऊ इक्वल टू हो जाएगा पी ई और साइन थीटा, क्या लिख देंगे, केवल और केवल थीटा। तो टाऊ थीटा के सिंगल पावर पर डिपेंड करता है, इसको कांस्टेंट तरह ट्रीट किया जाए तो जैसे फोर्स एक्स के सिंगल पावर पर डिपेंड करता था तो लीनियर एक्सेलरेशन, और वैसे टार्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंगल पावर पर डिपेंड करे तो एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पर इक्वल साइन के साथ जो आता था उसको के बोलते थे, फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो कोएफिशिएंट होता था, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो कोएफिशिएंट होगा उसको टार्जिनल कांस्टेंट बोलेंगे। ये क्या है आपके लिए पीई, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी सी। ये चीजें हो गई। चलिए, तो टाइम पीरियड यहां से मिलता था 2 पाई अंडर रूट मास बाई फोर्स कांस्टेंट, के क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, और यहां पर जो थीटा कोएफिशिएंट होता है उसको कैपिटल सी बोलते थे। यहां टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, अंडर रूट मास लीनियर के लिए, एंगुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के लीनियर के लिए, यहां पर एंगुलर के लिए सी, और सी तो आप देख ही रहे हैं सी कितना है पी और इंटू ई है, दिस विद द टाइम पीरियड। ये कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी ई, आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया और पी है डायपोल मोमेंट, ए बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया डायपोल का है, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, एक्सिस तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना एक्सिस डिसाइड किए कैसे आप निकाल पाएंगे। तो यहां पर एक्सिस कहां से पास कर रही हो, काम से, कहां से, काम से पास करें, ये काम नहीं, ठीक मिड पॉइंट से पास करें, दोनों जो डायपोल की लेंथ है उसके ठीक मिड से, सेंटर से पास करनी चाहिए, वो है आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया। फिर ध्यान दीजिए आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डायपोल, डायपोल में कितने चार्ज, दो, दोनों चार्ज का बारी बारी से डायपोल के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल करके ऐड कर लीजिए आई वन प्लस आई टू, वो आपके लिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई हो जाएगा। एक क्वेश्चन लगाइए तब बात उन क्लियरिटी बढ़ेगी। एक अच्छा क्वेश्चन, आज की शुरुआत एक अच्छे सवाल से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल तक इसको रोटेट करके छोड़ दिया गया है। इसका मास m है, इसका मास 2m है, यही ध्यान देना है। लेंथ क्या है, लेंथ इसका 2l है, डायपोल की लेंथ क्या है 2l है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों चार्ज की, एल हो जाएगी, उसकी भी एल, उसकी भी एल। अब क्वेश्चन को समझिए, देखिए कितना अंदर तक हम सवाल पहुंचा रहे हैं, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। डायपोल को ऐसे छोड़ दिया गया है तो बताइए कितने समय में ये सीधा हो जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को गेन कर लेगा। सवाल बहुत गजब का है। अब पहले समझिए सीन को, ऑसिलेशन कितने को, कितने टाइम को, एक टाइम पीरियड बोलते हैं, जितने टाइम में बॉडी ऑसिलेटिंग बॉडी
मीन पोजीशन से एक तरफ जाए, फिर मीन पोजीशन से दूसरी तरफ जाए, फिर मीन पोजीशन में आकर के ऐसे रुक जाए। समझ पा रहे हैं? जैसे अपने पैर को मीन पोजीशन सपोज करें और हाथ को ऐसे आसले जैसे मार्केट जाते समय नार्मली ऐसे हाथ हिलाते हैं लोग जाते हैं, आसलेशन है ना। इस समय वन आसलेशन किसको बोलेंगे, एक दोलन या एक कंपन किसको बोलेंगे, मीन पोजीशन जैसे थाई को सपोज कर रहे हैं, पैर को एक तरफ जाए फिर मीन से होते हुए दूसरी तरफ जाए फिर मीन में आकर के रुक जाए, रुके या चलता रहे लेकिन वहीं तक काउंटिंग करना। समझ गए? ये पेंडुलम है, पेंडुलम धागे से किसी बात को आप बांध दीजिए, कोई कंकड़ को पत्थर को बांध दीजिए, गेंद को एक तरफ जाए फिर मीन से होते हुए दूसरी तरफ जाए फिर मीन में आकर के ठहर जाए। ये क्या हो गया? ये जितना टाइम कंज्यूम किया दैट इज द वन टाइम पीरियड। आता तो अपने पाथ एक ही पाथ पर है, वो तो क्लियरिटी लाने के लिए ले गए फिर दूसरे रास्ते फिर तीसरे, ये ऐसे थोड़ी आएगा। वो तो बता रहे हैं भाई कि यहां से यहां गया फिर मीन से होते हुए यहां गया फिर आकर मीन में रुक गया। देखे पाथ रंग पेंट करते तो समझ में कम आता, क्लियरिटी लाने के लिए शिफ्ट कर दिए पाथ, जाए फिर मीन से होते हुए दूसरी तरफ जाए फिर मीन में आकर रुक जाए। कितना आसलेशन? वन। या ऐसे समझिए, मान लीजिए एम्पलीट्यूड की पोजिशन चल ही रहा है, यहां से चल ही रहा है, यहां से छोड़ा जाए तो जाए दूसरी तरफ फिर लौट के चला है, एक आसलेशन हो गया। ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है हमको, देख रहे हैं? किनारे से चले एम्पलीट्यूड से, जाए फिर अगले वाली तरफ एम्पलीट्यूड, फिर अपनी पोजिशन लौट आए। तो लेकिन देखिए, चेक करिए, ऐसे छोटे छोटे ऐसे सेक्शन कट कर दें तो छोटे छोटे कितने पार्ट इसमें मिल रहे हैं, फोर पार्ट, चार पार्ट मिल रहे हैं। नहीं, इसमें भी चेक करिए, इसको कट कर दिया जाए छोटे छोटे, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, फिर चार पार्ट, क्लियर? नहीं तो आपसे पूछा जाए मीन से मैक्सिमम तक जाने में कितना टाइम लगेगा, चौथाइया टोटल टाइम पीरियड का, वन फोर्थ, या मैक्सिमम पर है फिर मीन में आने में कितना टाइम लगेगा, थ्री बाई फोर। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए मिनिमम टाइम क्या होगा जिसमें डायपोल हॉरिजॉन्टल हो जाए, टी बाई फोर क्या होगा, टोटल टाइम पीरियड निकाल के फोर्थ, वन फोर्थ कर दीजिए। यही क्वेश्चन हम बनाने चल रहे थे, अच्छा क्वेश्चन था। मैक्सिमम पर है मीन में आने के लिए टी बाई फोर, या ऐसे कहा जाए कैलकुलेट मिनिमम टाइम सो दैट डायपोल मेक्स थी सेम एंगल यानी थीटा एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी ऐसे है डायपोल फिर है थीटा भी नीचे तरफ बनाने लगे, कितना टाइम लगेगा, टी बाई टू। बोलिए कैलकुलेट टाइम मिनिमम टाइम इंटरवल इन विच डायपोल रीगेन्स इट्स एक्चुअल मीन पोजिशन, एक्चुअल पोजिशन यहां पर है, जाए फिर ऐसे आ जाए, तो टी एक पूरा टाइम पीरियड। जैसा सवाल पूछा जाए, अभी हम कह रहे हैं डायपोल थीटा एंगल पर है, वो उस पर टार्क एक्टिवेटेड है, अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल करने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम पीरियड का वन फोर्थ, टी बाई फोर लगेगा। बोले अकॉर्डिंग एज फिगर कैलकुलेट मिनिमम टाइम इंटरवल इन विच डायपोल कम्स इन इक्विलिब्रियम या बिकम्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या और क्या बोल सकते हैं, बिकम्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने में कम से कम कितना समय लगेगा। आंसर आपको पहले से पता है, कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम का चौथाइया, क्योंकि यहां पर है मीन में आएगा दूसरी तरफ जाएगा फिर मीन में आएगा फिर लौट के आएगा, तो एक टाइम पीरियड। ऐसे छोटे छोटे चार पार्ट बन रहे हैं ना, खाली यहां से आने में बस टी बाई फोर, टी निकालिए, ये आपका आंसर है, आंसर आपने पहले लिख दिया, लेकिन कैपिटल टी पहले निकालिए। पहला काम करिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट एम आई अबाउट सेंटर, नेट एम आई क्या लिख दें, पहले का प्लस दूसरे का, पहले का एम आर स्क्वायर मानी एम एल स्क्वायर और दूसरे का टू एम है इंटू एल स्क्वायर,
डिस्टेंस तो एल है, डिस्टेंस तो एल पूरा टू एल है, सेंटर से एल और एल हो गए तो एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? थ्री एम इंटू एल का स्क्वायर, आई निकाल लिया आपने। और पी कितना? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आपके लिए वही चीज टू क्यू एल होता है। नाउ टाइम पीरियड क्या लिख दें? टाइम पीरियड का वही कल वाला फार्मूला आई बाई पी इंटू ई होता है। वैल्यू रखिए, टी हो जाएगा टू पाई, आई आपने रख दिया थ्री एम एल का स्क्वायर बाई पी ई, पी टू क्यू एल है और ई आपके लिए ई ही रहेगा। एक एल का निपटारा हुआ, बाकी कोई चीज कैंसिल नहीं होगी। ये टाइम पीरियड हो गया टू पाई रूट ऑफ थ्री एम एल बाई टू क्यू ई, ऐसा होगा। दिस विद इक्वेशन नंबर फोर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर, वन एंड फोर से क्या लाभ मिलेगा? फोर कर दी, वन बाई फोर कर दीजिए, हो गया आंसर। वी हैव या वी गेट कितना? वन फोर कर, बाई फोर करेंगे तो टू आ जाएगा, पाई बाई टू रूट ऑफ थ्री एम एल बाई ट्वाइस ऑफ क्यू ई, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ नोट करिए इसको। समझ गए? आई निकालना होता है, आई निकालना पड़ता है। अब बाकी पी की वैल्यू तो टू क्यू एल जानते ही है। अगर डायपोल की लेंथ टू एल न दिया गया होता, एल होता, तो पी कितना लिखते? तब क्यू एल लिखते। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा मजबूत तरीके से निकालना होता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम इंटू एल बाई टू का स्क्वायर, यानी एम एल स्क्वायर बाई फोर होता। इसका 2m इंटू फिर से l बाई टू, तो l बाई टू की स्क्वायर माने l स्क्वायर बाई फोर, है ना। तो आराम से ध्यान देख काम करना है, डाटा बदल जाए तो उस हिसाब से काम करिए। कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डायपोल को घुमाने में कितना मेहनत करते हैं आप? वर्क डन इन रोटेटिंग है डायपोल। अगली हेडिंग है वर्क डन इन रोटेटिंग है। अब कहां घुमा रहे हैं? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना है। डायपोल की टेंडेंसी क्या होती है जरा हमें समझा दीजिए। डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाने की टेंडेंसी होती है। ऐसे उसके अंदर से आत्मा की आवाज आती है, हम एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एकदम फ्लैट लेट जाए। और उसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होना। पैरेलल होने में भी कैसा? पॉजिटिव फील्ड में रहे, निगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन सेट हो जाए, ऐसा वो चाहता है अंदर से। लेकिन आप घुमाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं तो वर्क डन जरा समझिएगा किधर घुमाएं कि वर्क होगा, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा मदद करिएगा। यह माइनस क्यू है और ये आपके लिए प्लस क्यू। बताइए ये एंगल कितना है जी? थीटा वन। किधर घुमाएं? क्लॉकवाइज घुमाएं कि एंटी क्लॉकवाइज? हम लोग वर्क कब करते हुए समझे जाएंगे? जब डायपोल को किस तरफ रोटेट करें? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि इसको रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद ही इसको क्लॉकवाइज घुमा करके, क्लॉकवाइज घुमा करके पैरेलल कर देगा। हम लोग वर्क करते हैं कब समझे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, इसका अपोज करते, विरोध करते हुए घुमाए इसको, है कि नहीं? आप ताकतवर पोटेंशियल वाले कब समझे जाएंगे? जब रिवर में फ्लो डायरेक्शन में तैरे कि फ्लो डायरेक्शन का अपोजिट तैरे? अपोजिट तैरेंगे तब आपके अंदर दम है, तब दुनिया वाले समझेंगे। यानी वर्क डन तब होगा जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी ये थीटा वन से थीटा टू एंगल तक पहुंचाया जाए। ये चार प्लस क्यू ही है, ये चार माइनस, दो डायपोल नहीं है, एक ही डायपोल है, दो पोजिशन शो की गई। पहली पोजिशन कौन सी है? थीटा वन वाली।
बाद वाली थीटा टू वाली पोजिशन है। कोई पूछे कितना आपने डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग एंगुलर वाला दिए हैं थीटा टू माइनस थीटा वन। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पर, थीटा टू माइनस थीटा वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा टू माइनस थीटा वन। नोट करिए इसको। वर्क निकालना एकदम छोटे बच्चों का खेल है। वर्क निकालते कैसे हैं, फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन केस हो तो फोर्स का रोल कौन करेगा, टार्क। रोटेशन केस है तो डिस्प्लेसमेंट का रोल कौन करेगा, थीटा। सीखिए बेसिक वाला एकदम लीनियर के लिए, जो ट्रांसफार जो ट्रांसलेशन केस में सीखा गया था, स्थानांतरण केस में, बाकी उसको धीरे धीरे रोटेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। फिगर बना लीजिए, दो तीन लाइन का प्रूविंग है। जिनका फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उनका सवाल कभी रुकेगा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। पर्टिकुलर एक दो क्वेश्चन लगा करके आप नए सवाल को टेकल करने में सक्षम नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लीजिए, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप तोड़िए। ऑब्जेक्टिव पर डे आपको तोड़ना जरूरी है, जान लीजिए। अगर आप अंदर से डॉक्टर बनने का सोच लिए हैं तो एकदम फर्म डिटर्मिनेशन, इंजीनियर बनना है तो एकदम दृढ़ इच्छा आपकी होनी चाहिए और कोई अदर ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फोर्स डिवीजन लिए है ना, टी क्या था, कैपिटल टी बाई फोर था, तो फोर्स डिवीजन लेंगे तो टू आ जाएगा, बाकी अंदर का मटेरियल वही रहेगा। फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए भाई, आपको अपने टारगेट के प्रति एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होना है, तब काम बनेगा। कोई अदर ऑप्शन नहीं, डॉक्टर सही, कंपाउंडर ही सही, जीएनएम एनएम ही सही, तब काम नहीं बनेगा, तो आप रुक जाएंगे। और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ साथ आपको लगना पड़ेगा, खुद एकदम लग जाइए, पूरे जोर शोर एकदम लगिए। 8 घंटा नहीं पढ़ना है, मात्र आपको 4 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे पढ़ देंगे तो आपका नीट निकल जाएगा, और 4 घंटे में 2 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे फिजिक्स ध्यान दे दी, 1 घंटे बायो, 1 घंटे केमिस्ट्री पर काम बन जाएगा। और ये 4 घंटे वाली कोचिंग की स्टडी नहीं, आपकी सेल्फ स्टडी जो घर पर बैठ के आप अकेले में पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए। ये बैरियर की तरह काम करता है फिजिक्स, बहुत आसान है भाई, हम तो पढ़ा रहे हैं तो आसान बोलेंगे ही, लेकिन आप भी आसान कहें ये आपके शब्द तभी होंगे जब आप इस पर खूब एक्सरसाइज करेंगे। जो पढ़ाया जाए मैटर को आप रिविजन करिए घर जा करके, और फिर जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव आप क्रैक करिए। ऑब्जेक्टिव क्रैक करें, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए टूल्स और टेक्निक तब क्लियर होंगे। जो चीजें जो आपको यहाँ पर वीपन्स दिए जा रहे हैं हथियार, तब उसमें शान आएगी, उसमें धार आएगी और खटाखट क्वेश्चन टूटते चले जाएंगे, रुकेगा नहीं। जब पढ़ ही रहे हैं, जब एकदम डूब ही गए हैं, तब आप साइंस की फील्ड में जो गोता लगा ही रहे हैं तो एकदम डूबिए, फिर निकलिए तो दिखाइए कहाँ आपको कुछ मिला है, आप पूरी ताकत के साथ काम चलाऊ वाली नहीं, घर परिवार या इसकी वजह से डर बस नहीं, संकोच में आपने दबाव में न पढ़िए, एकदम खूब चम के पढ़िए, मेहनत से क्लास में पूरी तरीके से पूरा फुल कंसंट्रेशन केवल पढ़ाई पर, पढ़ाई के अलावा कोई थाट लेकर के विचार बैठे हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस दौरान केवल पढ़ाई के बारे में ही आपको ओरिएंटेड रहना, एकदम सीधे ग्रेजुएट बोर्ड पर होनी चाहिए, नहीं तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा, जान लीजिए। टीचर की जो डांट होती है कभी कभार सुधार देती है, बड़ा परिवर्तन ला देती है ना। जो कभी कभार हम समझाते हैं किसी बात को लेकर के, गाइड करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ऐसा काम आप मत करिए, तो हो सकता है जीवन बड़ा बदलाव ला दे, और उसी में अगर घिसे पिटे मोड में अगर चलते चले गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अभी 4 महीने का जो समय है बहुत क्रीम टाइम है,
इसमें आपको पढ़ना शुरू कर दिए, धीरे धीरे जब रिदम बना ली। पर डे आपको अभी 4 आवर की स्टडी करनी है, 4 घंटे का समय, 2 घंटे फिजिक्स पर, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायो पर, 4 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, फिर देखिए कैसे एक दिन की स्टडी से आपके अंदर चमक आना शुरू हो जाएगी। ईमानदारी आप बरतिए भाई, अपने प्रति ईमानदार बनिए। घर परिवार वाले आपके बड़े अच्छे हैं जो आपको फ्री किए हैं पढ़ने के लिए, और उसका पूरा इम्पैक्ट दिखना चाहिए। टाइमली एकदम जगना, टाइमली एकदम सोना, बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ना है, रात में 10 बजे तक एटलीस्ट आप सो जाइए, 10 से ज्यादा मत जगिए आप। मॉर्निंग में 5 बजे आप जगिए, 4 बजे नहीं, 4 बजे जगकर फिर नहीं सोना, 5 बजे जगिए फिर जगे ही रहिए, है ना। रिविजन करिए और अपना शेड्यूल सेट कर लीजिए, मॉर्निंग समय में हमको कम समय में रिविजन करना है बायोलॉजी का, है ना, कम समय में बायोलॉजी की रिविजन करना है, और दिन के उजाले में शाम तक समय मिले तो उसमें फिजिक्स पढ़ लेना 2 घंटे, और 1 घंटे रात में सोने से पहले केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। 4 घंटे सेट करना है आपको सेल्फ स्टडी वाला, ये सेट कर लीजिए, काम बन जाएगा। बायो पूरी पूरी एनसीईआरटी से आती है, है ना, एक एक लाइन एक एक वर्ड कीमती है, जो सर की नोट्स है उसको और एनसीईआरटी मिलाकर पूरा पूरा एकदम कवर कर लीजिए। और जो केमिस्ट्री है उसमें भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और जो सर की नोट्स है, जो टूल टेक्निक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, हल्का सा घुमा फिरा रहता है, सर की नोट से मदद लीजिए आप। समझ पा रहे हैं? नहीं माने यहाँ पर सीखना है, जो चीज बताई जा रही है उसको पूरा पूरा एकदम 100% ग्रैप करना है, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर तोड़ना है। वो बुक आप फॉलो करिए जिसमें एनसीईआरटी के प्रॉब्लम दिए गए हैं, एनसीईआरटी वाला सोल्यूशन दिया गया, एनसीईआरटी बेस्ड है, है ना। जैसे इसमें फिंगर टिप है, फिंगर टिप वाले क्वेश्चन सब सॉल्व कर लीजिए, सब सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने का आसान टेक्निक, पर डे आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 5 क्वेश्चन तोड़ते जाइए, देखिए सब टूट जाएगा, 5-5 क्वेश्चन, है ना। 5 हम कह रहे हैं, ज्यादा आप तोड़ने की क्षमता है 7-10-8 कहीं तोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे पढ़ते पढ़ते एकदम नोट से एकदम सीधे डिक्टो वही वही लाइन मिल जाती है, खटाखट हो गया, तो उसमें 10-10-55 सेकंड लगना है, है ना। पढ़ने का रिदम आप बना लीजिए भाई, आप पढ़ नहीं रहे, आप लोगों की शक्ल से देखने पर लग रहा है ना, वो फेस दिख जाता है कि पढ़े हुए हैं कि नहीं, आप रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। तो बैग उठाकर चले आने से काम नहीं बनेगा, पढ़िए। आप जैसे अपने गार्जियन की मोटी कमाई आप लेके आ रहे हैं, है ना, उतना पैसा आप यहाँ पे कर रहे हैं, समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए। बस खाली एक अपने हिस्से वाली जिम्मेदारी आप निभाइए, जुट जाइए अच्छे से पढ़ने में। बहुत शार्प माइंडेड पिक्यूलियर माइंडेड वाले नहीं काम कर पाते, हो पाते हैं, पिक्यूलियर माइंडेड वाले ही नहीं हो पाते, ये हम कह रहे हैं। पिक्यूलियर माइंडेड वाला अगर बीच में ब्रेक हो गया, कोई डिस्ट्रक्शन आ गया तो रुक जाएगा वो, लेकिन जो एवरेज बच्चा है, जो कंटिन्यूअस क्लास अटेंड कर रहा है, पूरी बातों को गौर सुन रहा है, धीरे 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 इंप्रूवमेंट आता जाएगा, सिलेक्शन दे जाएगा पक्का। और आपको टेस्ट में पर्टिकुलर एक टॉपिक का जो टेस्ट हो रहा है उसमें 600 एबव आना चाहिए, 600 से ऊपर तब काम बनेगा, और नीचे आ रहा है तब आप अपने आप को बहका रहे हैं, झूठा मूठा सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक वेल नोन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक को होना है, एक टॉपिक फिजिक्स से, एक टॉपिक केमिस्ट्री से, एक टॉपिक मैथ से, एक टॉपिक बायो से, उस टॉपिक पूरी एफिशिएंसी होनी चाहिए, पूरी ताकत एकदम झोंक दीजिए आप। टेस्ट को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए कभी भी, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में राइज होते मिलेंगे, जान लीजिए। रैंक आपकी तब आएगी अच्छी जब 600 एबव आप आए, जान लीजिए 600 से ऊपर, तब आप सही पोजीशन पहुंच पाएंगे। मेहनत खूब करना है, खूब करने के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस सचमुच में पढ़ना है, लगना है। फिजिक्स के लिए जो क्लास की नोट्स है उसको सबसे ऊपर रखिए, सबसे ए ग्रेड पर, फिर अपना जो ऑब्जेक्टिव बुक है जो आप फॉलो कर रहे हैं उसके क्वेश्चन आप तोड़ते रहिए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज बढ़ाने से आपकी सिलेक्शन गारंटी बढ़ती जाएगी, जान लीजिए। क्वेश्चन केवल बढ़ाना है।
और भी बच्चे बड़ी बड़ी बैचों खूब पढ़ते हैं, खूब लंबी लंबी बैचेस पढ़ रहे हैं, चार चार पच पच सौ के बैच पढ़ते हैं बच्चे, है ना। उन सबसे टक्कर लेना है, और टक्कर लेने का बस एक ही तरीका है, अपने आप को कोसना नहीं कि हम उस तरह की जगह पर नहीं है, उस प्लेस पर नहीं है। बड़े कोचिंग नाम या बैनर से पढ़ाई नहीं होती, आप खुद करेंगे तब होगी। यानी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ में सबसे अलग दिखना है। अलग दिखने केवल एकमात्र तरीका है, आप फालतू की दुनियादारी को छोड़कर केवल एकदम ओरिएंटेड हुई अपने टारगेट पर, तो काम बन जाएगा, नहीं भीड़ के हिस्से की तरह आप रहेंगे। पर डे आप रिवीजन करिए, पूरा पूरा मैटर, माने कॉपी की जो नोट्स की बात है 100% जुबान पहुंचे, 1-2% नहीं कि ये चीज आ रहा है, ये चीज नहीं आया, नहीं पढ़ पाए थे, क्यों नहीं पढ़ पाए, इसके खुद आप भाई आपकी जिम्मेदारी है। पर डे आप एनी हाउ किसी तरह से आपको तैयार करना ही है। पर डे हर दिन सुस्ती बिल्कुल नहीं बरतनी है, बीमार है तो दवा खा करके आप पढ़िए, तभी पढ़ते रहिए, जैसे आंख खुल रही है बातचीत कर रहे हैं वैसे अपना पढ़ते रहिए, लेकर नोट्स कुछ कुछ मनन करिए। अब बहुत ज्यादा देर हम 24 घंटे तो कह नहीं रहे हैं कि आप सिविल के एस्पिरेंट हैं, आईएएस की प्रिपरेशन जुटे हुए हैं, आपको 10-12 घंटे पढ़ना, केवल 4 घंटे पढ़ना है, और ये धीरे 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 टाइमिंग ऑटोमेटिक हम 4 कर रहे हैं, धीरे धीरे आप खुद ही बढ़ा लेंगे, हमें कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में 4 घंटे पढ़ा जाता है, 2 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इतना आप पढ़ते जाएं तो काम हो जाएगा, इतना ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी वाला टाइम है ये। तो फिगर तैयार हुआ, और जब अगर आप और ऑप्शन लेके चलेंगे, नीट में नहीं हुआ तो डी फार्मा कर लेंगे, डी फार्मा है ना, एएनएम जीएनएम तमाम आपके लिए गेट खुले हुए हैं, तो श्योरली कंफर्मली आप तब नहीं हो पाएंगे, जान लीजिए कोई ऑप्शन नहीं, बस एकदम तलवार की धार पर एकदम आप हैं, दाएं बाएं बिल्कुल एकदम उसी पर पड़े हुए, बस निकालना है, बस एनी हाउ नीट ही क्रैक करना है आपको, इसके अलावा कोई आपका गोल नहीं है, तब काम बनेगा, अब कर ले जाएंगे। लेबोरियस बच्चे ही करते हैं, लेबोरियस, और आप हर चीजों को समझ सकते हैं, पूरी बातें कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक है ना, बस उसको पढ़ना है घर पे जाकर के। चलिए, सिंस वर्क डन क्या होता है, टाउ इनटू डी थीटा, किसकी तरह, सिमिलर टू, पहले तो जो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते थे उसमें वर्क डन क्या था, इसी तरह तो था ही, एफ इंटू डी एक्स था, तो यहां रोटेशन में वर्क डन है तो फोर्स करोल टार्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, डी डब्ल्यू हो जाएगा, टाऊ है आपके लिए पीई साइन थीटा, कल वाला डेरिवेशन, इंटू डी थीटा, ये डब्ल्यू हो गया, और कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू, बाहर आप लीजिए पीई और साइन का इंटीग्रेशन, माइनस साइन हमने बाहर ली दिया है, माइनस कास होता है, और थीटा वन से थीटा, देखिए कितने आसानी से डेरिवेशन हम लोग कर पाए, माइनस पीई और ये आपके लिए थीटा टू माइनस थीटा वन, नेगेटिव साइन की एंट्री कराइए, पीई कास थीटा वन माइनस कास थीटा टू, इस संडे को टेस्ट होगा आप लोगों का, टेस्ट भी होगा क्लास भी चलेगी, 9-12 टेस्ट की टाइमिंग रहेगी, 9-12, फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे क्लास रहेगी फिजिक्स की। टॉपिक आप लोगों को बताया गया है ना, फिजिक्स में क्या रहा है कंप्लीट, और केमिस्ट्री में कंप्लीट ना, तो बायो में ठीक।
टॉपिक पता है तो उस पर खूब तैयारी करिए, पूरी एफिशिएंसी पूरी ताकत झोंक दी। मैथ में क्या रहा जी? हाँ, आंसर की नहीं मिल रही क्या? आंसर की नहीं दे रहे सर? नहीं कभी सर काफी बदल दे, यहां से बुक्स उठा रहे हैं कुछ। नोट हुआ? अब देखिए जरा स्पेशल, स्पेशल केसेस। वर्क डन इन रोटेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब बात को समझिए, इक्विलिब्रियम पोजिशन मतलब समझते हैं थीटा वन और वर्क डन, तब जो थीटा टू रहेगा तो काहे का थीटा टू, तो केवल थीटा बोलिए ना, वेग छुड़ाया भी हो गया तो दूसरे वाले टू, भाई टू तब लगाते जब वन होता। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, शुरुआती दौर में हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा हुआ है, उसको थीटा एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क होगा रख दीजिए, देख के बताइए फार्मूला फटाक से। पीई कॉस जीरो की वैल्यू माइनस थीटा टू जगह थीटा, ये फार्मूला भी ज्यादा ऐसे पूछा जाता है। इक्विलिब्रियम से अगर रोटेट करा रहे हैं तो पीई वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, आज से आप लोग पढ़ाई 4 घंटे वाली शुरू हो जानी चाहिए, करेंगे कि नहीं? आज से शुरू कर दीजिए, धीरे 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 ऐसा चेंज होगा कि आप पता नहीं पाएंगे इतना ज्यादा चेंजिंग कैसे आ गया, इतना पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आ रहा है। केवल 4 आवर पढ़ना है, 2 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे बायो, 1 घंटे केमिस्ट्री। 2 घंटे फिजिक्स में पहले नोट्स पढ़िए, फार्मूला फटाफट लिख डालिए, फार्मूला पूरा तैयार हो जाए, फिर उस पर क्वेश्चन तोड़िए आप। मिनिमम 5, मैक्सिमम आपके ऊपर है। आप चाहेंगे 20-20 क्वेश्चन टूट सकते हैं भाई, 15-15 20-20 क्वेश्चन एक दिन तोड़ लेंगे। चलिए, और क्वेश्चन का सिलेक्शन करना जान लीजिए कि जो नोट्स में फार्मूले अवेलेबल हैं, जो हेडिंग हो चुकी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सर्च करके पूरी तब फायदा मिलेगा। क्वेश्चन बुक में सब सीक्वेंस वाइज नहीं दिए होंगे, कुछ आगे पीछे दिए होंगे, दिख जाएगा तो टॉपिक पढ़ लीजिए। कुछ बुक में दिया गया हेडिंग के इलेक्ट्रिक डायपोल, तो डायपोल वाला क्वेश्चन है तो डायपोल वाला करिए, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड वाला क्वेश्चन कर डालिए, जो दिया हो अपना उस तरह के एक लेवल पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अभी से लग जाइए। और जो टॉपिक चल रहा है पढ़ने के ही तरीका है, जितना छूटा है नुकसान हुआ है उसके ऊपर अफसोस नहीं करना है, अब से लग जाना है, अब से साथ साथ पैरेलल एकदम वॉक करिए। फिर जो छूटा हुआ पोर्शन मैकेनिक्स का है, है ना, जो पिछला वाला हिस्सा है वो भी आप तैयार कर जाएंगे, जो ऑप्टिक्स का है, रे ऑप्टिक्स का, जो वेव ऑप्टिक्स का, वो भी पूरा तैयार कर जाएंगे। ऑटोमेटिकली कहना नहीं पड़ेगा किसके लिए अलग समय दीजिए, ऐसे पढ़ेंगे, वो प्लानिंग आप खुद ही कर लेंगे, हमको पिछला वाला भी तैयार कर, धीरे 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 वो भी कवर हो जाएगा। पहला काम करना है 4 आवर की स्टडी शुरू कर देना है, है ना, 1 हफ्ते तक लगातार आप लोग 4 घंटे पढ़िए, केवल 1 हफ्ते तक, फिर देखिए कितना बड़ा मैग्नीट्यूड आता है, रिजल्टेंट कितना पावरफुल होता है। सेकंड, वर्क डन इन रोटेटिंग या रोटेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू
90 डिग्री लेटा हुआ है, फिर ऐसे ठीक ठीक वैसे वर्टिकल कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने में 90 डिग्री पे पहुंचाने में। यहां पर इक्विलिब्रियम जब जब बोला जाएगा थीटा वन कितना और 90 करें तो थीटा टू आपके लिए 90 हुआ, क्या आ जाएगा W इक्वल टू पीई बाहर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, टू आपके लिए 90 और कॉस 90 की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू, यानी वर्क डन हो गया आपके लिए केवल और केवल P इंटू ई ऐसे। डायपोल को पलट दीजिए, जैसे ये पेन की जो टिप है टिप, इसको पॉजिटिव चार्ज बोलिए और कैप को नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से प्लेस किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिसाइड करा ऐसे है। अब तक देखा गया ये 90 मोर हिडन कितना आता है पीई। अब हम कह रहे हैं डायपोल ऐसे लेटा पलट दीजिए, पलटने का मतलब ये ऐसे इस तरह कैप इधर आ जाए टिप इधर आ जाए नोक इधर, पलट दिया कि नहीं पलट दिया तो कितना एंगल आपने रोटेट किया 180। अब देखिए जरा कितना आता है वर्क डन 2P आएगा, ठीक वर्क डन इन जस्ट 2P डायपोल, डायपोल को पलटने में वर्क डन, पलटने का मतलब क्या है अच्छा इक्विलिब्रियम से पलट रहे हैं थीटा वन जीरो और थीटा टू कितना 180। और आपको बता दें कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है, जरा वैल्यू रखिए कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आपके लिए 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या हमने बताया, अब कॉस जीरो की वैल्यू आप लोग खुद से जानते हैं हुआ कि क्या आया माइनस वन के सामने एक और माइनस होगा प्लस वन हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट कितना हुआ 2। वर्क की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ पीई, और आप बता दें इससे ज्यादा फिर कभी आप उम्मीद मत करिए, मैक्सिमम वर्क डन है। कोई पूछे मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, डायपोल को पलटने में इक्विलिब्रियम से ठीक 180 रोटेशन देने में। ये सब स्पेशल केस न भी पढ़े तभी आपका काम रुकेगा नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं जिससे बातें कुछ याद रहे, कुछ बीच बीच के इसके पता हो फटाफट आप काम हो जाएगा। आखिर ये सब चीजें भी तो निकाल रहे हैं उसी से फार्मूले से ही, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू से ही, आप यहीं तक पढ़ छोड़ दें तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ अभ्यास कुछ रन पे आ जाता है तो काम बन जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन इतना आपको करना है जिससे एग्जाम में पेपर में दिखे तो आप कम से कम 45 में से कम से कम 30 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन एकदम खटाखट खटाखट के क्लिक करना रहे, आपको पढ़े हुए हूं आप इतना आपको ज्यादा एक्सरसाइज करना है, और ऐसा होता है अली आप पढ़ के जाएंगे तो आपको लगेगा कि तो सब क्वेश्चन पहले सब करके हैं, कोई नयापन न रहे, जो 10-15 क्वेश्चन नया है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा कर थोड़ा समय देकर सॉल्व कर दीजिए, है ना, और एक्सरसाइज आप बढ़ा देंगे जहां प्रैक्टिस बढ़ाए तहां ऐसा होगा ही। नीट पेपर फिजिक्स का बहुत आसान होता है, हर साल आसान होता है, बस पढ़ने वाले बच्चे कैसे हैं और रिवीजन किए हैं कि नहीं अच्छे से, नंबर ऑफ प्रॉब्लम उस पर ज्यादा किए हैं कि नहीं, इसी की चेकिंग होती है। कोई एक बुक वही फॉलो कर लीजिए, फिंगर टिप है उसी को फॉलो कर लीजिए 100% लेकिन, और फिर बुक फॉलो करने के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा तोड़ डाली बस, इतने से एकदम काम हो जाएगा। 10 बुक नहीं फॉलो किया हुआ है तब तो बुक नाम आप याद करते रह जाएंगे, देसी विदेशी राइटर खाली, उससे काम नहीं होना है। एक बुक 100% फॉलो करिए एडिट के साथ जिसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो बस, है ना, जिसमें आंसर में एरर कम हो बस, तुम्हारे समझ से भी बुक ठीक ठाक है जो एनसीईआरटी फिंगर टिप है उसी को आप फॉलो कर लीजिए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको बढ़ाना है, हाँ बुकलेट भी मिल गया सबको ना,
आप बुकलेट अगर मिल गया तो बुकलेट वाला ही पूरा फॉलो कर लीजिए। बुकलेट और दोनों फिंगर टिप के काफी क्वेश्चन मैच करते होंगे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है ना। देख लीजिए दोनों में से जो नंबर आप प्रॉब्लम जिसमें ज्यादा हो तो बुकलेट वाला ही फॉलो कर लीजिए आप लोग ना, बुकलेट वाला ही फाइनली फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं। हम कोई स्पेसिफाई बुक नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको हमारा लेना है, जो प्रॉब्लम आपको तोड़ने है बाहर बस। देखिए फोर्थ बुकलेट ही तब आप फॉलो कर लीजिए पूरी तरह से। देखिए जरा वर्क डन इन कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा चक्कर घुमा दिया जाए तो कितना वर्क होगा, और आसान से कहीं से घुमाई कोई दिक्कत नहीं, आसान से ही हम बता रहे हैं कि जैसे पहले लेटा हुआ था हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा था, ये कितना घुमाए 90, ये कितना घुमा दिए 180, ये कितना घुमाए 270 270, और ये कितना घुमाए 360, माने जिधर की तरफ मुंह था ऐसे लेटा था, फिर घुमा करके फिर इसी तरह घूम कर दीजिए, है कि नहीं, इस तरह से है, घुमाइए 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 घुमाइए, रुकिए मत, घुमाइए घुमाइए फिर ऐसे, अभी एक चक्कर हो। यानी इनिशियली थीटा वन कितना था 0, और थीटा टू आपने कितना कर दिया 360, थीटा टू हो गया 360, और आप बताएं 360 और 0 की वैल्यू दोनों की 1:1 होती, आप समझ गए होंगे वर्क डन कितना आएगा। नो वर्क डन, किसी भी काम करने की जरूरत नहीं है, कास 0 माइनस कास 360 डिग्री, 0 की वैल्यू भी 1, 360 की भी वैल्यू 1, ये पार्ट 0 हुआ तो वर्क डन 0, समझ रहे हैं। आधा चक्कर घुमाने वर्क डन होता है लेकिन पूरा घुमाने वर्क डन क्यों नहीं होता, कोई रीजन है आपके पास, कोई रीजन है बोलिए। हाँ पहले आधा हम लोग घुमाना पड़ता है, कितना 2PE, और आधा आधा माने जैसे ये क्या था, इस समय 0 डिग्री है, इसको घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए माने ये से पैसे, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इधर, कितना आपने घुमाया 180, 180 घुमाने में वर्क डन होगा 2P, लेकिन 180 के बाद हल्का सा भी जर्क हुआ, थोड़ा सा ऐसी तिरछा हुआ, हल्का सा तिरछा हुआ, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव, अब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पॉजिटिव खींचता है और नेगेटिव वाले को पीछे की तरफ ले जाता है, ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। इनिशियली 0 से 180 तक वर्क रिक्वायर्ड कितना रिक्वायर्ड 2P, और नेक्स्ट हाफ साइकिल माने 180 से 360 तक वर्क इज ऑब्टेन्ड, कार्य ऑटोमेटिकली हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर देता है, आधा घुमाना पड़ता है और आधा इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा देता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा तो माइनस 2PE। बोले 0 से 180 तक आधा घुमाने वर्क होगा कितना होगा 2PE, और 180 से 360 तक घुमाने में माइनस 2PE, तो ओवरऑल वर्क डन कितना हुआ जी, कोई वर्क नहीं होगा, समझ गए। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं आप, लीजिए 5वां पॉइंट लिख भी लीजिए, उसमें क्या है, वर्क डन फ्रॉम 180 टू 360 क्या जाएगा, पीई थीटा वन यहां पर 180 और ये 360, कास 360 वैल्यू अभी बताया था हमने 1 होती, लेकिन कास 180 की वैल्यू ये ब्रैकेट में देख रहे हैं, ये भी तो माइनस 1 है, माइनस 1 ये और माइनस 1 ये, माइनस 2 हो गया, तो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई माइनस 2, यानी वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, वर्क इज ऑब्टेन्ड, है ना, वर्क गेन है, यहां पर काम ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, फिर कर कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं।
नोट हो गया। एक छोटा क्वेश्चन, इफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू 30 डिग्री बी 10 जूल, इक्विलिब्रियम से कहां तक 30 डिग्री तक घुमाने में 10 जूल हो रहा है, 10 जूल हो रहा है वर्क, देन फाइंड आउट टार्क एक्टिंग ऑन डायपोल एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा जब 60 डिग्री पर डायपोल कर दिया था उसमें टार्क बताना। बताइए, सवाल पढ़ने पर लग रहा है कि आलू का रेट बता के टमाटर पूछा गया है ना, लेकिन दोनों में इंटरनल रिलेशनशिप है, अंदर अंदर कुछ न कुछ रिलेशन मिल जाएगा आपको। कॉमन सी बातें क्या है, टार्क और वर्क में कॉमन बात क्या है, पीई बोलिए, टार्क क्या होता है पीई साइन, और वर्क क्या होता है पीई कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये इक्विलिब्रियम से है तो पीई वन माइनस कॉस थीटा, ऐसा है ना, तो पीई दोनों में आता है याद रखिएगा, इसीलिए एक क्वेश्चन देकर दूसरा वाला पूछा गया। आ गया 10√3 2 √3, एक आंसर आ गया भाई टाउ का। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर बोलिएगा, आर्क का न्यूटन मीटर और वर्क का जूल। चलिए देखिए सोल्यूशन, वर्क क्या होता है इक्विलिब्रियम से अगर रोटेट किया जाए, पहला वाला केस PE और 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है, ये 10 दिया है, PE नहीं पता है और ये 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा आपके लिए 30, इसकी वैल्यू क्या है, एक आंसर और आ गया भाई, चलिए यही आया है, यही आया है जी, क्या हो गया ये 10 इक्वल्स टू पीई और इसको लिख दे रहे हैं 2 √3/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पीई की वैल्यू पूछा जाएगा 20/2 √3, ये पीई आ गया। सिंस टाउ का फार्मूला होता है पीई और इनटू साइन थीटा, और थीटा कह दिया भाई कि दूसरा क्वेश्चन बना दिया 60 डिग्री पर बताइए, ऐसे भी कह सकता था कैलकुलेट टार्क एट न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन कौन 30 भाई, इतने थीटा ना दिया तो कहते कैलकुलेट टार्क एट न्यू पोजीशन या फाइनल पोजीशन, माने इक्विलिब्रियम 30 तक रोटेट कराए, 30 तक जहां तक रोटेट कराए उसी में बताइए टार्क कितना है, यहां थीटा 60 दिया है, पीई की वैल्यू ऊपर से उठा लीजिए 20/2 √3 और ये आपके लिए साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल कर देंगे √3/2, तो 2 से कैंसिल करेंगे 10 √3 और नीचे वाला पैटर्न पूरा रहेगा ही, ये हो गया आपके लिए इतना न्यूटन मीटर, या आपका आंसर एकदम शुद्ध सटीक जो ऑप्शन दिया गया उससे मैच करे, इसके लिए क्या रूल है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, परमेयीकरण जिसको 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो आगे क्या लिखेंगे आप 10√3 और यहाँ 2 + √3 और नीचे 2 √3 और इनटू वही काम नीचे में 2 + √3,
इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया स्क्वायर डिफरेंस का, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब फोर और बी स्क्वायर मतलब रूट खुल जाएगा थ्री, और फोर माइनस थ्री मतलब वन, नीचे वाला पूरा ब्रैकेट वन हो गया, पूरा मल्टीप्लीकेशन वन हो गया, क्या आ गया ये हो जाएगा आपके लिए टेन रूट टू रूट थ्री इंटू टू प्लस अंडर रूट थ्री और डिनोमिनेटर में वन, यही न्यूटन मीटर, ये वन ना लिखिए वही पूरा पूरा नोट कर लीजिए। एक हल्का क्वेश्चन आपके लिए, समझ में तो आ ही रहा होगा, ये प्रॉब्लम देखिए, इफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन टू 60 डिग्री बी डब्ल्यू, पूरा पूरा वर्क डन डब्ल्यू ही है, 10 जूल 5 जूल नहीं, कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन न्यू पोजिशन, न्यू पोजिशन आपकी निगाह में कौन सा है, जीरो की 60। चलिए ऑप्शन हम बना रहे हैं, 2W होगा टार्क, अंडर रूट 3W होगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू डब्ल्यू होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, बी अंडर रूट 3 वाला सोल्यूशन देखिए, W इक्वल्स टू पीई और 1 माइनस कितना एंगल है जी 60, का 60 को वैल्यू हाफ, ये हो गया पीई और 1 माइनस 1 बाई और 1 बाई 2 से ट्रेड करेंगे तो 1 बाई 2 ही आएगा, पीई बाई 2 आया, ये सब W का खेल है, W है, W यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी पीई निकाल लीजिए, पीई कितना हो जाएगा तो आई साफ डब्ल्यू, बोलिए नाउ हम लोगों को जरूरत है टार्क निकालने की, क्या लिखते हैं पीई साइन थीटा, और थीटा आपके लिए नए पोजिशन माने 60 पर ही काम करना है, पीई की वैल्यू 2W और साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई, बहुत अच्छा भाई अंडर रूट 3 इंटू डब्ल्यू, चलिए पर्टिकुलर एकदम प्लेन प्लेन एक पर नहीं दोनों को मिक्स करके हमने क्वेश्चन लगवा दिया, अब इससे आपके अंदर और ताकत बढ़ गई, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप तोड़िए, कल लास्ट वाली छोटी हेडिंग से देगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी जानिए, माइनस पी ई कॉस थीटा क्या होता है, लीजिए अच्छे उसको पूरा कर दे रहे हैं जल्दी से, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल क्या होता है, माइनस पीई कॉस थीटा होता है, और डेफिनेशन क्या है, जीरो एनर्जी स्टेट से किसी स्पेसिफिक स्टेट तक पहुंचाने में ले जाने में डायपोल को रोटेट करने में जो वर्क होता है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन है लेकिन कहां से कहां, जीरो एनर्जी से स्पेसिफिक, और जीरो एनर्जी क्या होती है, परपेंडिकुलर पोजिशन,
इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला पोजीशन जो थीटा 190 से स्पेसिफिक, समझ गए? यानी कहां कहां तक रोटेट करना है, 90 से घुमाना है, कहां तक, जहां तक मन चाहे, थीटा तक। 90 से कहां तक, थीटा तक, वही आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन के लिए, यानी कुल मिलाकर के पूरा डेरिवेशन कंप्लीट वही रहेगा, बस इंटीग्रल की लिमिट कहां से कहां रन कराना है, 90 से थीटा। और वर्क वर्क निकालना चाहते हैं तो थीटा 1 से थीटा 2। पोटेंशियल एनर्जी में लिमिट फिक्स हो गया, लोअर वाला 90। पोटेंशियल एनर्जी आप डायपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फार्मूला, माइनस पी इंटू कॉस थीटा। डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या होता है, वर्क डन है इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम कहां से कहां, जीरो एनर्जी लेवल, जीरो एनर्जी लेवल या जीरो एनर्जी स्टेट, मतलब 90 थीटा 190 टू अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। स्पेसिफिक एनर्जी लेवल मतलब थीटा 2 कितना हो, अब जब एक तो डिजिट हो गया तो अगला वाला थीटा लिखिए, यही है। यानी डेरिवेशन अगर करना चाहते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सेसिव डायरेक्शन ओरिएंटेड, इनिशियली 90 पर है, शुरुआत में ऐसे परपेंडिकुलर, बाद में इस तरह से घुमा दिया गया, थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया, कितना है ये थीटा। वर्क डन क्या हो जाएगा, जो सॉरी यू क्या होगा, यू वर्क डन ही है लेकिन कहां से कहां तक, 90 से थीटा। और वर्क डन क्या होता है, टाउ इनटू डी थीटा होता है 90 से थीटा। टाउ क्या होता है, तब तो एक लाइन सॉल्व करा देंगे भाई आप लोग, 90 से थीटा पीई और साइन थीटा और डी थीटा। और साइन की इंटीग्रल क्या होता है, यहां लिख दे रहे हैं, यू इक्वल टू हो गया माइनस पीई, बाहर ले लिया साइन का मन ही मन कास कर दिए माइनस कास, और लिमिट कहां से कहां, 90 से थीटा। पहले कौन सी लिमिट, माइनस पीई ब्रैकेट में कास थीटा, और माइनस कास 90 की वैल्यू जी, इसीलिए गायब हो गया था, क्या आया माइनस पी कास थीटा। अब आप टार से रिलेटेड जो तीन इंपॉर्टेंट बातें थी, तीनों से रिगार्डिंग आप क्वेश्चन तोड़ सकते हैं, टाउ डब्लू एंड यू। आज की बातें यहीं पे टर्मिनेट करती हैं, आगे कल सीखा जाएगा। संडे को टेस्ट फिक्स हो गया है, टेस्ट की टाइमिंग है 9 to 12, 9 से 12 आप टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद 2 से 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।